So, hello everyone, my name is Nikhil Agarwal and I am a senior equity research analyst. और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एनालिसिस। So guys, रेशियो एनालिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं एज अ इक्विटी रिसर्च डोमेन में, और अगर आप लर्न करना चाहते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग। तो अगर मैं बात करूं इक्विटी रिसर्च की और मैं बात करूं फाइनेंशियल मॉडलिंग की, तो इन दोनों ही पार्ट में आपको रेशियो एनालिसिस की बहुत ज्यादा नीड पड़ने वाली है। सो दैट्स व्हाई इन दिस पर्टिकुलर सेशन आज हम समझेंगे कि रेशियो एनालिसिस होते क्या है, रेशियो एनालिसिस की नीड क्या होती है, किस तरीके से हम रेशियो एनालिसिस करने के बाद रियल इमेज को पिक कर लेते हैं एक पर्टिकुलर कंपनी की। यस, जैसे ही अगर आप रेशियो एनालिसिस का ढंग से यूज कर लेते हैं और उसके यूज के बेसिस पे फ्यूचर के प्रोजेक्शंस कर लेते हैं, तो आपके आगे एक पर्टिकुलर क्रिस्टल क्लियर इमेज आ जाती है एक कंपनी की, विच इज अ वेरी गुड थिंग। किन के लिए? जो प्रोजेक्शंस करते हैं, और प्रोजेक्शन बेसिकली आज की तारीख में दो ही लोग कर रहे हैं, एक तो रिसर्च में जो जा रहे हैं वो, और दूसरा जो फाइनेंशियल मॉडलिंग करते हैं। अब किसी के माइंड में आ रहा होगा, सर आप फाइनेंशियल मॉडलिंग और रिसर्च को अलग अलग क्यों बता रहे हो? क्योंकि वैसे तो फाइनेंशियल मॉडलिंग इक्विटी रिसर्च का पार्ट है, बट होता क्या है आजकल सेपरेट जॉब्स भी निकल रही हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग की, तो वहां भी आपको इसकी बहुत नीड पड़ने वाली है। स्पेशली सीए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी उनको इस पर्टिकुलर कंसेप्ट की। सो गाइस, आज के हम सेशन में रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे और देखते हैं कि जो अभी तक हमने पढ़ा हुआ है रेशियो एनालिसिस को, अभी तक इन द सेंस जो आप अपने अकेडमिक्स में पढ़ के आए हैं, 11th स्टैंडर्ड, 12th, ग्रेजुएशन, सीए में पढ़ के आए हैं, उनसे कितना डिफर है ये रेशियो एनालिसिस। सो यहां पर कुछ लिखा हुआ है, बड़ा अच्छा सा लिखा है, व्हाट इज रेशियो एनालिसिस, और इसके आगे एक क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क के आगे एक बहुत अच्छी सी एक स्टेटमेंट्स लिखी है। यस, तो मैं आप लोगों को इन स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा समझा देता हूं ये है क्या, रेशियो एनालिसिस होता क्या है। रेशियो एनालिसिस गाइज एक टेक्निक है, कौन सी? मैथमेटिकल टेक्निक, जिसकी हेल्प से हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस कर लेते हैं, जैसे आपकी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। और जैसे ही हम इनका एनालिसिस करते हैं, हमारे आगे कंप्लीट पिक्चर आ जाती है एक कंपनी की। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने पूरी कंपनी के सारी फॉरकास्टिंग कर ली, मेजर कॉन्क्लूजन ड्रॉ कर लिए, बट उसके बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग उस कंपनी के बारे में बता ही नहीं पाते कि एक्चुअल में कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ क्या रहेगी, कंपनी फ्यूचर में कैसा कर पाएगी। तो गाइज, अगर आप रेशियो एनालिसिस में आपकी एक्सपर्टीज हो गई, तो मार्क माई वर्ड्स, आप किसी भी कंपनी को विद इन टिप्स, आप अपनी yes, टिप्स बोले तो उंगलियों पर, आप उनको इवैल्यूएट कर पाओगे और उनका कंपैरिजन ड्रॉ कर पाएंगे, राइट? सो अब देखते हैं यार यहां क्या लिखा हुआ है। रेशियो एनालिसिस इज अ मैथमेटिकल टेक्निक फॉर एनालाइजिंग अ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज द बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, टू गैदर नॉलेज अबाउट इट्स लिक्विडिटी, ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। फंडामेंटल इक्विटी रिसर्च इज बिल्ड ऑन रेशियो एनालिसिस। The very important part is fundamental equity research is built on ratio analysis. Yes, मैं खुद जब भी अपनी रिसर्च रिपोर्ट भी बनाता हूं, तो मैं अपनी रिसर्च रिपोर्ट में भी रेशियो एनालिसिस का यूज करता हूं, और रेशियो एनालिसिस का यूज करने के बाद मुझे करंट की परफॉर्मेंस पता लग जाती है, और फिर मेरे लिए गेम बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि उसके बेसिस पे स्टार्ट हो जाते हैं मेरे प्रोजेक्शंस। जैसा कि आपने वीडियो लाइब्रेरी में देखा भी होगा, उसके अंदर फाइनेंशियल मॉडलिंग के कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे वे में एक्सप्लेन करे गए हैं, राइट? सो दैट्स व्हाई अब आपको रेशियो एनालिसिस पे अपनी एक्सपर्टीज और बनानी है, सो दैट आप सारे पार्ट्स पे अपने आप को कवर कर पाओ और एक क्या कहते हैं, एक सॉलिड रिसर्च प्रोडक्ट बन पाओ, राइट? तो इसी के लिए हम थोड़ा सा आगे आते, देखो रेशियो एनालिसिस हमें पता तो लग गया रेशियो एनालिसिस होता क्या है, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट का एनालिसिस, दैट इज द रेशियो एनालिसिस। मतलब वहीं के हम आइटम्स को पिक करेंगे और उन आइटम्स को हम इवैल्यूएट करेंगे
उनकी कैलकुलेशंस करेंगे राइट, इसको बोलते हैं रेशियो एनालिसिस। ठीक है सर, मुझे ये बात समझ में आ गई। अब पॉइंट ये है कि रेशियो एनालिसिस बताते क्या है। मतलब आपने इतना बोल दिया कि सर रेशियो एनालिसिस ये होता है, रेशियो एनालिसिस वो होता है, एक्चुअल में रेशियो एनालिसिस बताते क्या है, इनको कैलकुलेट क्यों किया जाता है, इनकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। सो आई टेल यू होता क्या है। रेशियो एनालिसिस हमारी करंट और हिस्टोरिकल, यस करंट और हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन होता है। यस, मैं अपनी करंट की सिचुएशन को एनालाइज करूंगा, अपनी पास्ट की सिचुएशन को एनालाइज करूंगा और उसके बेसिस पर मुझे समझ में आ जाएगा कि आने वाले टाइम में मेरी पर्टिकुलर कंपनी कितना अच्छा करेगी या कितना बेकार करेगी। तो इसीलिए हम लोग रेशियो एनालिसिस को यूज करते हैं। और गाइज एक चीज समझो, आप रेशियो एनालिसिस की हेल्प से फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो अपने आप में इसकी एक इंपॉर्टेंस है। अगर आपको पता लग जाए कि आने वाले एक साल बाद आपकी कंपनी कैसा करेगी, तो आपके लिए सबसे बेस्ट पार्ट है ये, क्योंकि आपको अभी पता लग गया कि आने वाले टाइम में कंपनी प्रॉफिट में जाने वाली है कि लॉस में। अगर प्रॉफिट में जाने वाली है तो बहुत अच्छी बात है, और एफर्ट करेंगे और कमाएंगे, और अगर लॉस में जाने वाली है तो कुछ करेक्टिव एक्शंस लेंगे। करेक्टिव एक्शंस, यस, अगर बिजनेस में कंपनी में अगर आपने टाइमली करेक्टिव एक्शंस नहीं लिए गाइस, तो हम सबको पता है यार रिजल्ट क्या है, हमें अपने ऑपरेशंस बंद करने पड़ेंगे, कंपनी बंद करनी पड़ेगी, या इन फ्यूचर आने वाले टाइम में हमें लॉसेस बियर करने पड़ेंगे। आई डोंट थिंक सो कोई भी रेडी है लॉसेस को बियर करने के लिए। ओके सर, ये वाली बात तो आपकी बहुत अच्छी लगी। अब थोड़ा सा स्क्रीन पे भी पढ़ लीजिए, क्योंकि स्क्रीन पे भी कुछ लिखा हुआ है। रेशियो एनालिसिस इज अ टूल दैट एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर यूज टू एक्सेस अ कंपनीज फाइनेंशियल स्टैंडिंग बाय केयरफुली एग्जामिनिंग बोथ इट्स हिस्टोरिकल एंड करंट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। जो मैंने आपको बताया था, पास्ट और प्रेजेंट दोनों को बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करना, ये वही टूल है जिस टूल से हम ये दोनों चीजों का एनालिसिस सीखते हैं। गुड, कंपैरेटिव डेटा कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट एक्सपेक्टेड फ्यूचर परफॉर्मेंस एंड शो हाउ अ कंपनी इज डूइंग ओवर अ टाइम। एज आई टोल्ड यू कि इससे आप कंपैरेटिव स्टडी भी कर पाओगे, कंपैरिजन ही तो है। हिस्टोरिकल डेटा, करंट डेटा दोनों का एनालिसिस किया और उसके बेसिस पर हमने कुछ कंपैरिजन चेक करे, कुछ लूप होल्स फाइंड आउट हुए, कुछ ग्रोथ फैक्टर्स पता लगे और इसके बेसिस पे हमने फ्यूचर प्रिडिक्ट करना स्टार्ट किया। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड टू कंपेयर अ कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस टू सेक्टर एवरेजेस एंड गॉज हाउ इट कंपेयर्स टू राइवल इन द सेम इंडस्ट्री। वाओ, यानी कि रेशियो एनालिसिस आपको एक पार्ट में और ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा और वो होगा आपका कंपटीटर एनालिसिस। यस, आपके राइवल्स के बारे में भी आपको बता देगा कि आप कहां पर अच्छे हो और कहां पर आप वीक हो। राइट गाइस, जैसे हम ये रेशियो एनालिसिस कंप्लीट कर लेंगे ना, मैं आपको प्रॉपर रिसर्च रिपोर्ट में ही दिखा दूंगा कि किस तरीके से हम लोग अपने जो राइवल्स हैं, जो अपने कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको किस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं आपसे TCS की, तो TCS जो है वो कौन सी कंपनी है, वो IT कंपनी है। तो IT कंपनी का कंपैरिजन मैं किससे करूंगा, अंबुजा सीमेंट? नो, मैं IT का कंपैरिजन IT से करूंगा। तो IT का कंपैरिजन करूंगा मैं विप्रो से, इंफोसिस से, माइंडट्री से, हैप्पीएस्ट माइंड से। राइट, दीज आर द कॉम्पिटिटर्स हु आर डीलिंग इन द सेम इंडस्ट्री। ओके, मैं इनके संग उसका क्या करूंगा, कंपैरिजन करूंगा। ओके सर, लेकिन क्वेश्चन आता है किन फैक्टर्स पे, किन बेसिस पे आप इनका इवैल्यूएशन करोगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को यही नहीं पता है कि किन फैक्टर्स को कंसिडर करना है और किन फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद हमें उनको इवैल्यूएट करना है। राइट, चलिए सर, तो रेशियो एनालिसिस आपको क्या बताती है, पास्ट और प्रेजेंट के डेटा का एनालिसिस करना, सो दैट यू कैन यूज द कंपैरेटिव डेटा, और कंपैरेटिव डेटा यूज करने के बाद आपको नॉलेज हो जाए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है सर, और फ्यूचर के साथ साथ और क्या बताते हैं, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, जिसमें हम क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव वैल्यूएशंस। यस, अगर आपने फाइनेंशियल मॉडलिंग करी है गाइस, तो यू ऑल नो व्हाट इज रिलेटिव वैल्यूएशन इज। रिलेटिव का तो मतलब ही होता है रिश्तेदार, और रिश्तेदारों का तो काम ही है कंपैरिजन करना। ओके,
सबके नहीं होते हैं, मगर मोस्टली लोगों के जो रिश्तेदार होते हैं वो कंपैरिजन ही करते हैं. सो रिलेटिव वैल्यूएशंस किसके लिए हेल्प करेगा? आपको कॉम्पिटिटर्स का कंपैरिजन करने के लिए. ओके, अब बात आती है टाइप्स ऑफ रेशियो एनालिसिस. तो गाइज, जो भी आपकी स्क्रीन पर ये है, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो और जो नीचे दो चार रेशियोज और लिए, ये समझ लेना कि ये भगवान है. यस, दे आर जस्ट सिमिलर टू गॉड इन दी फाइनेंस इंडस्ट्री, इन दी रिसर्च डोमेन. क्योंकि ये सारे के सारे रेशियोज आपको एक क्लियर पिक्चर दे देंगे एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में. यस, कैसे देंगे? आइटम लिक्विडिटी रेशियो. लिक्विडिटी रेशियो होता क्या है? लिक्विडिटी रेशियो गाइज ये बताता है कि कंपनी की कितनी एबिलिटी है और क्या एबिलिटी है अपने करंट के डेट्स पे करने की. मतलब मैं कोई कंपनी रन करता हूं एक्स वाई जेड लिमिटेड, तो लिक्विडिटी रेशियो जैसे ही आप कैलकुलेट कर लोगे आपको ये पता लग जाएगा कि मेरी एबिलिटी, मेरी कंपनी की एबिलिटी कितनी है कि वो अपने करंट के ड्यूज कितनी जल्दी पे ऑफ कर सकती है और कब कर सकती है. कितने कमाल की चीज है. अगर ये रेशियो हमें पता लग जाता है तो उसके बाद हम कंपनी का, हमारे कंपनी को देखने का नजरिया बदल जाएगा कि यार अगर मान के चलो किसी कंपनी के बारे में पता लगता है कि इसके जो लोन्स हैं उसको तो ये पे ही नहीं कर सकता है, इन्वेस्ट करोगे आप? नहीं करोगे. और अगर आपको पता लग जाए कि इसकी तो बहुत अच्छी एबिलिटी है क्योंकि इसका रेवेन्यू सेगमेंट और जो उसका ग्रोथ सेगमेंट है वो बहुत ही अच्छा है, तो आप क्या करोगे? इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे और आपको एक सेटिस्फेक्शन होगा कि भाई मेरा पैसा तो एटलीस्ट नहीं डूबा. ओके, व्हाट इज सॉल्वेंसी रेशियो? सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है? सॉल्वेंसी रेशियो एक तरीके का क्या कहते हैं, डेट्स का लेवल चेक करना होता है. चेकिंग द लेवल ऑफ डेट्स इन कंपैरिजन टू असेट्स, इक्विटी एंड अर्निंग ऑफ अ कंपनी. मतलब मान के चलिए 1 करोड़ का किसी कंपनी के ऊपर लोन है. मैं आई रिपीट, 1 करोड़ का किसी कंपनी के ऊपर लोन है, तो उस डेट्स का जो लेवल है उसको चेक करने के लिए कंपनी की असेट्स देखी जाएंगी, कंपनी की इक्विटी देखी जाएगी और कंपनी की अर्निंग्स देखी जाएंगी. तो गाइस हमेशा ध्यान रखना, मोस्टली लोगों को इन रेशियोज की ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है प्रॉपरली. मोस्ट ऑफ द टाइम लोग लिक्विडिटी रेशियोज और सॉल्वेंसी रेशियोज समझ ही नहीं पाते. लिक्विडिटी रेशियो में आपको यह पता करता है कि हम करंट के अपने डेट्स पे कर पाएंगे कि नहीं, ये बताता है. जिसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं करंट रेशियो, क्विक रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो. अब बात आती है सॉल्वेंसी रेशियो की. तो सॉल्वेंसी रेशियो ये बताता है कि जो हमारे डेट्स का लेवल है उसके कंपैरिजन में हमारे कंपनी के पास असेट्स कितनी है, कंपनी के पास इक्विटी कितनी है और कंपनी की अर्निंग कितनी है. ये लेवल होता है, ठीक है. अब बात आती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है? बहुत इजी है. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सिंपली ये बताता है कि कंपनी की कितनी कैपेसिटी है प्रॉफिट अर्न करने की क्षमता, कंपनी कितने रेवेन्यूज, कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकती है ऑन अ क्वार्टर बेसिस, एनुअल बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस, राइट? मतलब हमें एक चीज पता लग जाती है, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है और किसी कंपनी के बारे में आपको यह पता लग जाए कि यार ये 6 मंथ्स में बहुत अच्छा कमाती है लेकिन नेक्स्ट 6 मंथ्स में इसके रेवेन्यूज खास नहीं है. अब आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो आप, ऐसी कौन सी कंपनीज होती हैं? मैंने तो सुना है कंपनीज लास्ट में ही अच्छा कमाती, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास स्टूडेंट्स के ऐसे भरकर डाउट्स आते हैं. तो मैं बता, देर आर मैनी कंपनीज विच आर डीलिंग ऑन अ सीजनल बेसिस. अब मैं बात करूं कोल्ड ड्रिंक्स की, तो क्या हम दिसंबर में कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीते हैं? अगर मैं बात करूं आइसक्रीम की, तो क्या हम आइसक्रीम दिसंबर के महीने में ज्यादा खाते हैं या जनवरी में ज्यादा खाते हैं? यू कैन अंडरस्टैंड, इनकी जो डिमांड्स होती है इनके पीक सीजन में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द रिमेनिंग मंथ्स, पीक मंथ्स में ज्यादा होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कोल्ड ड्रिंक्स की एंड आइसक्रीम की, देयर आर मेनी मेनी अदर प्रोडक्ट्स आल्सो. तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनकी मार्केट में डिमांड इनके पीक मंथ्स में होती है, जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, राइट? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इनकी इतनी डिमांड नहीं होती है. सो
इनका प्रॉफिटेबिलिटी जो रेशियो है वो 6 months का बहुत अच्छा होगा, 6 months का एवरेज होगा। आइडिया लगा? तो अगर मान के चलो मुझे इनके संग डील करना है, अब डील का पर्पस समझ लेना गाइस। डील का मतलब मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं इस कंपनी का क्रेडिटर बनना चाहता हूं, अगर मैं इस कंपनी का क्रेडिटर बोले तो जिससे लोग उधार लेते हैं, है ना। अब मान के चलो कोई कंपनी है, किसी कंपनी ने मुझसे उधार लिया है, मतलब कोई एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है जो कोल्ड ड्रिंक्स में डील करती है, उसने मुझसे पैसा उधार लिया, तो मैं उसको पैसा कब दूंगा? दिसंबर में, जनवरी में? नहीं, मैं उसको अप्रैल मई के हिसाब से दूंगा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि भाई मेरा जो तुम पैसा लोगे उसको तुम जल्दी जल्दी प्रॉफिटेबिलिटी में कब ला पाओगे? इन पीक मंथ्स में, क्योंकि यहां तुम्हारा प्रोडक्ट की डिमांड बहुत है और मार्केट में कंजम्पशन भी बहुत। राइट नाउ फोर्थ वन इज एफिशिएंसी रेशियो। गाइस लिक्विडिटी रेशियो समझ में आ गया, सॉल्वेंसी रेशियो समझ में आ गया, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी समझ में आ गया, यार ये एफिशिएंसी रेशियो क्या है? सो एफिशिएंसी रेशियो क्या होता है मैं बताता हूं। इसका दूसरा नाम है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी मतलब, एक्टिविटी को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो कुछ काम करना, कुछ भी चीज करना, है ना। हिंदी बहुत शुद्ध हिंदी में जाऊं तो क्रिया, राइट। तो एक्टिविटी रेशियो का मतलब हुआ यहां पर ये कंपनी की एफिशिएंसी चेक करी जाती है, और कंपनी की एफिशिएंसी दो फैक्टर्स पे चेक होती है कि कंपनी कितनी केपेबल है अपनी असेट्स और लायबिलिटी को यूज करने में। मार्क माय वर्ड्स गाइस, अभी तक मैंने किसी भी रेशियो में ये नहीं बताया कि असेट्स और लायबिलिटी के ऊपर एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी डिपेंड कर रही है। सिर्फ एफिशिएंसी रेशियो ही एक ऐसा होता है जिसमें असेट्स और लायबिलिटी दोनों को कंसीडर किया जाता है, और इन दोनों को कंसीडर करने के बाद ये चेक करा जाता है कि इन दोनों की हेल्प से कंपनी कितने ज्यादा रेवेन्यूज या अपनी सेल्स इंक्रीज कर रही है, और सेल्स इंक्रीज करने के बाद अपने प्रॉफिट कितने मैक्सिमाइज कर रही है। यस, तो एफिशिएंसी रेशियो कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन इट्स असेट्स एंड लायबिलिटी बाय विच कंपनी इनेबल्स टू इंक्रीज देयर सेल्स सो दैट दे कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। वाओ, चारों कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए। तो अगर मैं, अगर एक बात मेरे को थोड़ी सी जो समझ में आ रही है कि जितने भी रेशियोज हैं सारे रेशियोज अपनी अपनी एक अलग कहानी कहते हैं, और अलग कहानी कहने के साथ साथ प्रॉपर क्लियर इमेज हमारे सामने रख रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है आपके कवरेज रेशियो की। फिफ्थ, व्हाट इज कवरेज रेशियो? यार ये कवरेज रेशियो तो बहुत ही अलग सुना, अभी तक किसी ने लिक्विडिटी रेशियो सुना होगा, सॉल्वेंसी सुना होगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत सुना होगा, बट कवरेज रेशियो, कवरेज रेशियो हर कोई नहीं सुनता। व्हाट इज कवरेज रेशियो? कवरेज रेशियो इज दैट पर्टिकुलर रेशियो जो ये बताता है कि कंपनी अपने इंटरेस्ट, यस, अपनी ब्याज देने में कितना केपेबल है। मतलब अगर मान के चलो किसी कंपनी पे 100 करोड़ का लोन है, तो कवरेज रेशियो की हेल्प से हमें यह पता लग जाता है कि जो 100 करोड़ रुपए पे इंटरेस्ट, यानी कि जो ब्याज सर पर्टिकुलर कंपनी पे कर रही है, उसको पे ऑफ करने में कंपनी कितनी केपेबल है, विच इज अ वेरी गुड थिंग यार, वेरी वेरी गुड थिंग, क्योंकि आप कवरेज रेशियो की हेल्प से ये सारी कैलकुलेशन निकाल सकते हो। तो अगर मान के चलिए आप इंटरव्यू में गए, आपसे किसी ने बोला बाय विच रेशियो यू कैन कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेइंग बाय अ पर्टिकुलर कंपनी, तो आप किसका नाम लोगे? लिक्विडिटी रेशियो का? प्रॉफिटेबिलिटी? नो, यू आर, यू जस्ट सिंपली से कि सर हम तो कवरेज रेशियो देखेंगे और उसके बाद अपनी कैलकुलेशन बता देंगे। तो गाइज हमेशा याद रखना, आप लोगों को सारी चीजों पर फोकस नहीं कर। ओके सर, ये चीज मुझे प्रॉपरली समझ में आ गई कि आप क्या कह रहे हो। अब बात आती है मार्केट प्रोस्पेक्ट रेशियोज। व्हाट इज मार्केट प्रोस्पेक्ट रेशियोज? यार ये मार्केट प्रोस्पेक्ट रेशियोज भी हमने नहीं पढ़ा, ना अपने स्कूल टाइम में पढ़ा था, ना कॉलेज टाइम में पढ़ा, ना सीए में पढ़ा। ऐसे मार्केट प्रोस्पेक्ट रेशियोज कौन सा फंडा ले आए हम? मैं बता दूं गाइस, हमेशा ध्यान रखना, रेशियोज में कुछ रेशियोज
नए भी एड ऑन हो गए हैं, और वो इसलिए एड ऑन हो गए हैं क्योंकि हम आजकल डील कर रहे हैं किसमें, हम डील कर रहे हैं गाइज स्टॉक मार्केट में, हम वैल्यूएशंस कर रहे हैं उन कंपनीज की विच आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, NSE, BSE, NASDAQ, SDX निफ्टी, इन सब पे जो कंपनीज लिस्टेड है उनका वैल्यूएशंस कर रहे हैं। तो इनका जब भी आप वैल्यूएशंस करते हो तो मार्केट प्रोस्पेक्ट रेशियोज यूज होते हैं। अब मार्केट प्रोस्पेक्ट रेशियोज कौन कौन से होते हैं? पहला होता है PE रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, दूसरा होता है EPS, तीसरा होता है आपका डिविडेंड पे आउट, फोर्थ वन इज ROCE, राइट, देयर आर मेनी मेनी अदर रेशियोज ऑल्सो, PEG रेशियो, बुक वैल्यू, दीज आर द मार्केट प्रोस्पेक्ट थिंग्स। इनके अकॉर्डिंग मार्केट से ये पता लगता है कि यार इस पर्टिकुलर कंपनी की क्या वर्थ है। तो गाइज आप लोगों को इन रेशियोज को ध्यान से पढ़ना है। अब जल्दी से आप ऊपर से लेके नीचे तक देख लीजिए कि आपको किस रेशियो में ऐसा लगा कि मैंने आपको सिमिलर बताया। लिक्विडिटी में हम 1 ईयर का चेक करते हैं कि पर करंट के पे आउट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। सॉल्वेंसी में हम लेवल चेक करते हैं किसका, डेट्स का विद दी असेट्स, अर्निंग एंड इक्विटी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम ये चेक करते हैं कंपनी कितनी कैपेबल है कि वो अपने कितना मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। एफिशिएंसी रेशियो में हम ये चेक करते हैं असेट्स और लायबिलिटी दोनों मिलकर कितने कैपेबल हैं कि वो सेल को इंक्रीज करें जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। कवरेज रेशियो सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि आपने जो लोन ले रखा है उसकी ब्याज आप दे पाएंगे कि नहीं। मार्केट प्रोस्पेक्ट रेशियो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट के बेसिस पर ही आया है, जिसके बहुत ही पॉपुलर रेशियोज हैं लाइक पी रेशियोज, EPS, डिविडेंड पे आउट, आपका प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो, आपका बुक वैल्यू। सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज इन द मार्केट। सो गाइज यू नीड टू एक्सपर्टीज इन दीज रेशियो, उसी के बाद आपको प्रॉपर एनालिसिस आएगा। सो गाइज आई होप आपको यहां पर प्रॉपर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से रेशियोज हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे, किस तरीके से हम इनको यूज करने के साथ अपनी नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, और सजेस्ट कर सकते हैं कि कंपनी आने वाले टाइम में क्या करेगी। टिल देन, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं कि जितना पढ़ाया प्लीज उसको ध्यान से याद रखना, एंड कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि आने वाले सेशन में आप लोग बहुत ही अच्छा रेशियोज एनालिसिस को यूज करना सीखोगे, विच हेल्प यू अलॉट।